चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सबसे पहले हमने आज के सेशन में IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और करेक्शन ऑफ एरर के हवाले से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। इसे कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेंस टू द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पाक ओशन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। हमारे पास ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पाक ओशन लिमिटेड के कुछ नंबर्स अवेलेबल है। 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2013 पे हमारे पास इन 2 सालों का प्रॉफिट का नंबर अवेलेबल है, गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग अवेलेबल है और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का नंबर अवेलेबल है। फिर हमारे पास कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 1 कहता है इंस्टॉलेशन ऑफ एन असेंबली प्लांट वॉज कंप्लीटेड इन डिसंबर 2012 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹60 मिलियन एंड इट वॉज रेडी फॉर यूज ऑन 1 फरवरी 2013। However, depreciation for the year ended 31 December 2013 amounted to ₹4.5 million was worked out from the date of production, that is 1 April 2013. The additional depreciation of 1 million was included in the depreciation expense for the year ended 31 December 2014 in an attempt to correct the error. क्या कह रहा है? कह रहे हमने एक असेंबली प्लांट की इंस्टॉलेशन दिसंबर 2012 यानी कि लास्ट से लास्ट ईयर में कंप्लीट कर ली और 60 मिलियन की इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई। अभी जो असेंबली प्लांट है ना, ये 1 फरवरी 2013 से हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज था और हम ये बात जानते हैं कि जिस वक्त हमारे पास एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा हम उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देंगे। तो अवेलेबल फॉर यूज ये 1 फरवरी 2013 से था, लेकिन जब हम 2013 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमने डेप्रिसिएशन 4.5 मिलियन वर्कआउट किया और ये जो 4.5 मिलियन का डेप्रिसिएशन है ना, ये 1 अप्रैल 2013 से हमने कैलकुलेट किया था जिस वक्त उस प्लांट से एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। एसेट अवेलेबल फॉर यूज इसी दिन हो गया था, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 2013 से। द एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 1 मिलियन वॉज इंक्लूडेड इन द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर फॉर डिसंबर 2014 इन एन अटेम्प्ट टू करेक्ट द एरर। तो 1 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल 13 तक, 1 फरवरी 2013 से लेकर 1 अप्रैल 2013 तक कुछ 1 मिलियन का एडिशनल डेप्रिसिएशन था जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, और फिर हमने खुद से दरगुजारी करने के चक्कर में उस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के चक्कर में, सही करने के चक्कर में उसे 2014 में रिकॉर्ड कर दी। तो 2013 का एक एक्सपेंस अंडर रिकॉर्डेड है और 2014 का एक एक्सपेंस ओवर रिकॉर्डेड है। फिर आगे कहता है शेयर होल्डर इक्विटी एज एट 1 जनवरी 2013 एज फॉलो। फिर हमारे पास 1 जनवरी 2013 पर शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस के नंबर अवेलेबल है। फिर कहता है ऑन 30 नवंबर 2014 कंपनी इशू 25% राइट शेयर टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर एट ₹120 पर शेयर। 30 नवंबर 2014 करंट ईयर पर कंपनी ने 25% राइट शेयर इशू किया। और इसके अलावा हमारे पास कैश और बोनस डिविडेंड का डेटा अवेलेबल है पिछले 3 साल का, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2014। अब इन रेलिवेंट ईयर्स के जो इंटरिम डिविडेंड है वो उन रेलिवेंट ईयर्स में ही डिक्लेयर और पे हुए होंगे, और इन रेलिवेंट ईयर्स के जो फाइनल डिविडेंड है वो अगले साल में जाकर डिक्लेयर और पे हुए होंगे। अच्छा, एक हमारे पास इंटरिम डिविडेंड पे स्टार बना के इन्होंने लिखा है डिक्लेयर्ड विथ हाफ ईयरली अकाउंट्स, और एक 20% फाइनल डिविडेंड पे बोनस, सॉरी 20% इंटरिम बोनस डिविडेंड पे स्टार बना के लिखा है नॉट इंटाइटल्ड टू कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे। ठीक है, रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। अब देखें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, हमारे पास इस सवाल में ज्यादातर इंफॉर्मेशन, मेजोरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन IS-1 का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर करने के लिए दी गई है। एक एडजस्टमेंट हमारे पास ऐसी है, एक एडजस्टमेंट हमारे पास ऐसी है जो कि एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर से पर्टेन करती है। तो इस एरर के करेक्शन की वजह से हमारा ऑब्वियसली 2013 और 2014 के प्रॉफिट में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगी, तो मैं 2013 और 2014 का प्रॉफिट का नंबर पहले सही कर लेता हूं। हमारे पास इन दोनों सालों के प्रॉफिट के नंबर सवाल में गिवन है, 2014 का है 78, 2013 का है 52। अब करेक्शन ऑफ एरर के नतीजे में क्या होगा? सर, करेक्शन ऑफ एरर के नतीजे में ये होगा कि एक प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन 1 फरवरी 2013 से रिकॉर्ड होना चाहिए था,
हमने 1 अप्रैल 2013 से रिकॉर्ड किया और इस एडिशनल डेप्रिसिएशन को 2013 में रिकॉर्ड नहीं किया और इस एडिशनल डेप्रिसिएशन को 2014 में रिकॉर्ड कर लिया। तो ये तो बहुत ही आसान सी एडजस्टमेंट है कि 2014 में जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ वो नहीं होना चाहिए था, 1 मिलियन से प्रॉफिट बढ़ा देंगे। 2013 में जो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ वो रिकॉर्ड कर लेंगे तो 1 मिलियन से प्रॉफिट का नंबर कम हो जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट का करेक्ट नंबर आ जाएगा 2014 का 79, 2013 का 51। तो ये करेक्शन ऑफ एरर की एडजस्टमेंट हमारी मैनेज हो गई। बस अब सवाल एक तरीके से IS-1 का सवाल बन गया है, हमें सारे नंबर्स को प्लॉट करके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर करनी है, वो भी प्रिपेयर कर लेते हैं। सर हमारे पास कितने रेलिवेंट कॉलम्स आएंगे? एक तो शेयर कैपिटल का, रिटेन अर्निंग का, रिवैल्यूएशन सरप्लस का, और राइट शेयर इशू किए 120 की प्राइस पे, तो यानी कि हमारे पास शेयर प्रीमियम भी आएगा, और एक टोटल का कॉलम। टोटल का कॉलम मना किया है तो ना बनाए। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस। कंपनी का नाम है हमारे पास पार्क ओशन लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। अब 31 दिसंबर 2014 टुगेदर विद कंपैरेटिव्स, तो टुगेदर विद कंपैरेटिव्स का मतलब है कि हमारे इक्विटी के सारे नंबर से स्टार्ट होंगे एज एट 31 दिसंबर 2012 से, या 1 जनवरी 2013 से, एक ही बात है। हमारे पास 1 जनवरी 2013 के नंबर्स अवेलेबल है, यानी कि 31 दिसंबर 2012 के नंबर अवेलेबल है। तो शेयर कैपिटल हमारा 200 मिलियन, रिटेन अर्निंग्स है 145 मिलियन, फ्री शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स है 145 मिलियन, और रिवैल्यूएशन सरप्लस का नंबर अवेलेबल है 20 मिलियन। इसके बाद अब हम 2012 में क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं सर? एक तो हमारे पास, सॉरी 2013 में, 2013 का प्रॉफिट अवेलेबल है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अवेलेबल है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अवेलेबल है। 2012 में जो फाइनल डिविडेंड दिया ये 2013 में आएगा, और 2013 में जो इंटरिम डिविडेंड दिया ये भी हमारा 2013 में आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास 2012 का कैश डिविडेंड है फाइनल 15%, तो सबसे पहले हम इसे लिख देते हैं, फाइनल कैश डिविडेंड एट 15% फॉर 2012। डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल पे अप्लाई होगी, तो 200 का 50% हमारे पास आ जाएगा 30 मिलियन। ये हमारा रिटेन अर्निंग से डेबिट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश या डिविडेंड पेबल क्रेडिट, तो रिटेन अर्निंग नेगेटिव। इसके बाद हमारे पास 2013 के इंटरिम डिविडेंड आएंगे। 2013 के इंटरिम डिविडेंड में कहा है कि ये हाफ ईयरली अकाउंट्स पे दिए गए, और एक और बात इन्होंने लिखी है कि नॉट इंटाइटल्ड टू कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे। इसका मतलब क्या है? 2013 में कैश इंटरिम डिविडेंड भी दिया है और बोनस इंटरिम डिविडेंड भी दिया है, और बोनस इंटरिम डिविडेंड पे स्टार बना के लिखा है नॉट इंटाइटल्ड टू कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे, यानी इस दिन जो कैश डिविडेंड दिया है ये इन बोनस शेयर्स के ऊपर नहीं मिलेगा।
इन बोनस शेयर्स के ऊपर नहीं मिलेगा। तो पहले मुझे कैश डिविडेंड को अकाउंट फॉर करना चाहिए, फिर मुझे बोनस डिविडेंड को अकाउंट फॉर करना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंटरम कैश डिविडेंड एट 18% फॉर द ईयर 2013 और 200 का 18% 36। फिर हमारे पास आ जाएगा इंटरम बोनस डिविडेंड एट 20% फॉर द ईयर 2013। तो 200 का 20% 40, 40 से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा और 40 से हमारे पास रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएगा। फिर हमारे पास और एडजस्टमेंट्स में अब प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2013, इसमें एक हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर, और ये प्रॉफिट फॉर द ईयर का नंबर रिस्टेटेड है, और एक हमारे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। प्रॉफिट का नंबर हमने वर्कआउट किया था करेक्ट 51, तो 51 से रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज हो जाएगी, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट जाएगी जो कि -5 है। फिर हमारे पास कुछ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन था, तो हमारे पास लाइन आइटम आ जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स, और ये नंबर अवेलेबल है हमारे पास 2.3। 2.3 से हमारे पास रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाएंगी और रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो जाएगा, और ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे एज एट 31 दिसंबर 2013, अगेन रीस्टेटेड। तो हमारे पास शेयर कैपिटल का नंबर हो जाएगा 240, शेयर प्रीमियम 0, रिटेन अर्निंग्स 92.3 की रिटेन अर्निंग्स, और रिवॉल्यूशन सरप्लस 20 माइनस 5 प्लस माइनस 2.3 12.7। तो ये हमने कंपैरेटिव तो प्रिपेयर कर लिया। अब हम करंट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ जनरेशन इक्विटी प्रिपेयर करते हैं। करंट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ जनरेशन इक्विटी हमारे पास स्टार्ट होगी एज एट 31 दिसंबर 2013, दैट आर रिस्टेटेड नंबर्स 240, 92.3 एंड 12.7। अब 2014 के साल में पहले 2013 का फाइनल डिविडेंड आएगा, तो 2013 में हमने कोई फाइनल डिविडेंड नहीं दिया। फिर 2014 में 2014 का इंटरिम डिविडेंड आएगा, तो 2014 में हमने कोई इंटरिम डिविडेंड भी नहीं दिया। सही है, तो सर कोई डिविडेंड तो है ही नहीं। तो फिर हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2014, इसमें हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। 2014 का प्रॉफिट हम पहली बार रिपोर्ट करें, 2014 का प्रॉफिट हम पहली बार रिपोर्ट करें, तो 2014 का प्रॉफिट रिस्टेटेड नहीं लिखा जाएगा। 2014 का प्रॉफिट है 79, 79 से रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज हो जाएंगी, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का नंबर था हमारे पास 12, तो 12 से रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्रीज हो जाएगा। फिर 2014 में भी कुछ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, तो ट्रांसफर फ्रॉम रिवॉल्यूशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, और ये नंबर हमारे पास 1.5, तो 1.5 से रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाएंगी और 1.5 से रिटेन अर्निंग रिवॉल्यूशन सरप्लस कम हो जाएगा। ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे
31 दिसंबर 2014 पे। सर एक एडजस्टमेंट मैंने सॉरी मिस कर दी है, राइट शेयर्स वाली एक एडजस्टमेंट मैंने मिस कर दी थी, राइट शेयर्स वाली ये भी प्लॉट होगी। तो राइट एडजस्टमेंट वाली एडजस्टमेंट अगर हम प्लॉट करें एक, हमने राइट शेयर इशू किए थे, कितने राइट शेयर्स? कहता है कंपनी इशू 25% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एट ₹120 पर शेयर। तो इशू ऑफ 25% राइट शेयर्स एट ₹120 ईच। अब देखें 240 मिलियन का हमारा शेयर कैपिटल है, क्योंकि सारे नंबर्स हमें रुपीज इन मिलियन में दिए हुए थे। 240 मिलियन का शेयर कैपिटल है और शेयर की पावर वैल्यू 10 रुपए नहीं 100 रुपए। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा शेयर कैपिटल 240 मिलियन है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं दैट इज 2.4 मिलियन, और जो हमने राइट शेयर इश्यू किए हैं वो इश्यू किए इसी का 25% 0.6 मिलियन। अब 0.6 × 100 शेयर कैपिटल, 0.6 × 20 शेयर प्रीमियम, ये हो जाएगा 60 मिलियन, और ये हो जाएगा 1.2 या 12 मिलियन। तो इश्यू ऑफ राइट शेयर्स की वजह से शेयर कैपिटल में 60 आ जाएगा और राइट शेयर्स अब शेयर प्रीमियम में 12। अब हम इन सब का टोटल कर लें तो हमारे पास एज एट 31 दिसंबर 2014 के नंबर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 12, और ये आ जाएगा 23 पॉइंट। तो ये बहुत आसान सा सवाल था जो हमने सॉल्व कर लिया। कॉपी कर लें सर इसे।